2nd अक्टूबर एंड इट्स डे 5 एंड आज बैक है उससे पहले आज 11 बजे अभी और अभी जाके ब्रेड लेके आऊँगा मैं, क्योंकि आज मैं आलस नहीं करने वाला हूँ, 4 दिन से आलस कर रहा हूँ। बट आज चलो ब्रेड लेके आते हैं फिर बात करते हैं। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading. मेरा पीनट वो है अल्पिनो, इसका भी हर एक पीनट बटर जैसा ही है, मतलब चीनी तो है नहीं तो टेस्ट तो अच्छा होगा नहीं, तो थोड़ी सी यू नो कड़वाट जैसी स्मेल है, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर इसमें, चॉकलेट फ्लेवर खाली नाम का चॉकलेट है, खाली रंग, बाकी चॉकलेट 1% भी नहीं अंदर। एंड इसकी स्मेल आई कॉन्ट टेल इन माई वर्ड्स, बट थोड़ी सी यू नो कड़वाट है, आप 3 या 4 बेड के ऊपर इसको नहीं खा पाओगे। सो आई होप क्या मैं बोल रहा हूँ समझ पा रहा हूँ। एंड बस गुड फॉर हेल्थ, एक बार के लिए ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाता है एंड पेट भी भर जाता है, सो लेट्स डू इट। अच्छा हाँ, इसका MRP क्या, सॉरी एक्सपायर डेट 4 दिसंबर, मतलब मेरे बर्थडे के 4 दिसंबर 14 दिन बाद ही एक्सपायर हो जाएगा। आई मीन 4 दिसंबर को ये एक्सपायर होगा एंड 18 दिसंबर को मेरा बर्थडे, तो तब तक जितना इसको चाट सकते हैं चाट लेते हैं, दबा के खा लेते हैं। मैं ये ब्रेड बादाम दूध 12 बजे खा रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं खाना कब खाऊंगा, क्योंकि इससे एकदम बोलते हैं पेट फूल हो जाता है एकदम, कि खाने की इच्छा नहीं होती कुछ। सो वो मुझे पता नहीं मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, बट खाना पड़ेगा, खाऊंगा मैं। सो तो बात की बात है, ये सब छोड़ो, मैं ही बोल रहा था पीनट बटर के बीच में एक बादाम डाल दे तो कैसा टेस्ट आएगा देखते हैं। एक मिनट रुको, ये पीनट बटर के बीच में बादाम एंड देन फोल्ड एंड अब इसको एक बार में खाऊंगा। टेस्ट तो नहीं आया बट आवाज़ आ रही है खाली, बस और कुछ नहीं, मज़े नहीं आए, हेलर डालते तो मज़ा आती। तो गलत टाइम पे गलत ब्रेकफास्ट भी, गलत ब्रेकफास्ट तो नहीं बट टाइम गलत था। सो कंप्लीट नाउ अभी टाइम 12 बजे, अब नेक्स्ट मैं लंच कब करूँगा मुझे पता नहीं, बट देखते हैं, थोड़ा सा पेट को हिला देता तो भूख लग जाएगी, तो मिलते हैं लंच टाइम। अभी तक तो मस्त धूप थी और ये बिन बुलाए बारिश पता नहीं कब कहाँ से आ गई, मतलब लिटरली अभी अभी धूप थी, गर्मी थी और अभी अभी सडनली बारिश स्टार्ट हो गई। आई डोंट नो कहाँ से आई और कैसे आई, चल जो भी। अब मैं ये बोल रहा था कि राइट नाउ इट्स 12:54, सो मैं ये बोला था कि 3 बजे तो अभी 1 घंटे में सो जाते हैं। ये कि अगर आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो जिम या घर पे जो भी, तो उससे पहले आधे घंटे नैप ले लो या थोड़ा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद वर्कआउट करोगे तो एक अलग सी एनर्जेटिक बॉडी रहेगी एंड अलग सा ही फॉर्म रहेगा बॉडी में। और ऐसे ही मतलब थोड़ा थकान थकान लगता है, नहीं तो थोड़ा आलस आता है, थोड़ा यू नो काविंग होती है, तो मज़ा नहीं आती। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगर वर्कआउट करते हो तो आधे घंटे नैप ले लो, नींद ले लो या रेस्ट कर लो, कुछ मत करो, बस लेटे रहो तो आपको नींद आ जाएगी, तो उसके बाद वर्कआउट करने में मज़ा आएगी। तो मैं ये बोल रहा था, अभी मैं जा रहा हूँ सोने और 4:30-4:30 उठूँगा, फिर मिलता हूँ आपसे वर्कआउट करते हैं। आज तो उठी नहीं एकदम मौत। तो वैसे उठने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई मेरे को, अभी 5 बज गए
तो कोई नहीं, वैसे भी अच्छा है, 5 बज गए तो अभी बारिश हुई थी तो वापस धूप आ गई और धूप के चक्कर में गर्मी हो गई थी, तो अभी मौसम भी अच्छा है, थोड़ा ठंडा हो गया एंड अच्छा थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले सेट से अपने वर्कआउट में, सो लेट्स। मैंने 2 सेट कंप्लीट हो गए और वर्कआउट करते करते मुझे याद आया कि बैक की एक्सरसाइज के लिए मशीन और थोड़ा सा वेट होता है तो प्रॉपरली फील होता है कि यहाँ वापस स्ट्रेस आ रहा है, नहीं तो पता नहीं चलता कि स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मैंने 2 मारे, उसमें से 1-2 में मैंने बीच में स्टॉप करना पड़ा क्योंकि मुझे फील हुआ कि मेरे शोल्डर पर आ रहा है, तो थोड़ा सा बोलते हैं मेजरमेंट में ख़राबी हो जाती है, थोड़ा सा बैलेंस फ्लक्चुएट हो जाता है तो समझ नहीं आता। सो कोई नहीं, जो है सो है, उसे काम चलाते हैं। लेट्स गो टू द 3rd सेट। कम ऑन, ये पूरा शरीर लथपथ होते हुए पसीने से मज़ा आ रही, गर्मी भी बहुत है। सो मैं ये बोल रहा था कि मैं भी वर्कआउट कर रहा था तो मुझे याद आया कि आप में, मतलब आप में भी ऐसा कोई है जो आपको वर्कआउट करना पसंद है या वो करना चाहता है बट कर नहीं पा रहा है, हाँ, या आज मेरे तरह वो जिम नहीं जा पा रहा है या घर पे उसके पास जो मेरे पास ही थोड़े बहुत सामान है वो भी उसके पास नहीं है, तो आप मुझे बताना, मैं भी घर में से ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें चूँ और उसमें से मैं वर्कआउट करूँ और कोई सक्सेसफुली पास हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि मैं, आप ऐसे मना कर सकते हो, आप करना चाहो तो, क्योंकि मेरे पास तो है तो मुझे करने की इतना ज़रूरत नहीं, बट आप में से किसी को चाहिए तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। सो लेट मी नो अबाउट दिस इन कमेंट। सो 4 सेट ख़त्म हुए, 30-30 की रेपिटेशन, लास्ट 2-3 और बाकी पटा लेते हैं फिर देखते हैं। टिल देट, बाय बाय। वर्कआउट इज ऑल्सो कम्प्लीटेड एंड आज साइकिलिंग पे मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि कल, 2 रीज़न है, पहला कल ब्लैक डे है वैसे भी सैटरडे, तो कल थोड़ी एक्स्ट्रा साइकिलिंग करूँगा मैं प्लस, और आज मेरे भाई जल्दी साइकिल लेके चले गया, वो अपने साथ दोस्तों के साथ गया साइकिलिंग करने तो आज जल्दी निकल गया, सो मैं नहीं जा पाया, तो ये 2 रीज़न है। सो कोई नहीं, बैक ऑल्सो का आज लगभग वर्कआउट अच्छे से ख़त्म हुआ, पेन हो रहा थोड़ा सा एंड पम्प भी आ गया, फ्रेश भी हो गया, चलो भूख भी नहीं लगी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं, अगर मेरे को भूख लगी या इस वर्कआउट के बाद मैं क्या खा रहा हूँ या क्या नहीं खा रहा हूँ मैं बता दूँगा, ठीक है। सो गाइस इट्स 7 o'clock एंड मैंने सोचा कुछ खाना खा लूँ क्योंकि भूख भी लगी है, सो मैं मम्मी के पास गया और किचन में देखा तो पता चला वहाँ पे तो क्या बोलते हैं वो तेल की पूड़ी, तो कड़ियाली की पूड़ी बोलते हैं वो है और छोले की सब्जी है, तो मैंने सोचा वो खाना सही नहीं रहेगा एंड क्योंकि डे आफ्टर, मतलब कल सैटरडे और संडे को वैसे भी चीट डे करना ही क्योंकि संडे को रेस्ट डे होता है, सो मैंने सोचा 1 दिन ही बाकी है तो क्यों चीट करूँ अभी मैं, सो मैं वो खाना नहीं खा रहा मैं, सो मैं खा रहा हूँ अभी ओट्स, तो नेचुरल, मतलब कोई मसाला वगैरह नहीं, नॉर्मल जो होता है वही है, सो इतना मैं खाता नहीं, उसको थोड़ा सा ही खाऊँगा मैं, ज़्यादा मेरे को खाता भी नहीं, सो थोड़ा सा ओट्स खाऊँगा, बाद में कुछ करने लिए होगा नहीं, बाद में कुछ खाऊँगा नहीं, पेट भर जाएगा एंड रात को सोते समय दूध पी के सो जाऊँगा, अभी दिन में मैं सोया नहीं, दिन में सोया था थोड़ी देर बट अब मैं रात को अभी 9 बजे नहीं सोने वाला, नींद आए तो भी नहीं सोऊंगा मैं, सो रात को सोऊंगा फिर, नहीं तो रात पूरी ख़राब हो जाती है। सो बस ये बोल रहा था कि आज का दिन भी ख़त्म हुआ, सो कल लेग डे, सो आज का दिन भी ख़त्म है, कल लेग डे, तो कल एक नई चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, वो मेडिकल स्टोर से लेके आऊँगा मैं, सो कल के दिन ही बताऊँगा क्या है, कैसे यूज़ करते जो भी, सो अभी के लिए बस बाय बाय एंड आज के वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लाइक नहीं तो कमेंट कर देना। Till then, bye bye, good night, take care.